दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसकी संयुक्तता के बारे में अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान के अध्ययन करने के लिए, किसी विषय के अध्ययन करने के लिए, उस विषय की छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी यदि हमारी अच्छी होगी तो हमें उस विषय की पकड़ अच्छी होगी। जिस तरह से हम खेल कोई खेलते हैं, उस खेल में ज़्यादा समय देते हैं तो उस खेल की बारीकियाँ, उस खेल के बारे में हमारी जानकारी अच्छी होती है। ठीक इसी प्रकार यदि रसायन विज्ञान की पढ़ाई हमको करना है तो छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी हमारी अच्छी तभी होगी जब हम उस विषय में समय ज़्यादा व्यतीत करेंगे। रसायन विज्ञान विज्ञान बहुत रुचिकर विषय है। इस विषय की पढ़ाई करने के लिए यदि हम उसमें समय ज़्यादा बिताएंगे तो हमको छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से पता होगी, जिसके कारण से हम रसायन विज्ञान की पढ़ाई ठीक से कर सकते हैं। चलते हैं, हम शुरू करते हैं। हाइड्रोजन का संकेत H है, परमाणु क्रमांक 1 है। हीलियम संकेत HE, परमाणु क्रमांक 2 है। लिथियम संकेत LI, परमाणु क्रमांक 3 है। बेरिलियम संकेत BE, परमाणु क्रमांक 4 है। बोरान संकेत P, परमाणु क्रमांक 5 है। कार्बन संकेत C, परमाणु क्रमांक 6 है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1, क्योंकि बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, SpDF में 1s1। और ये हीलियम का 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होगा। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होगा। और उसके बाद लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1, बोरबरी के नियम के हिसाब से 2n² के अनुसार 2n² के अनुसार होता है, 2n² के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो इस तरह से होगा 1s2 और ये 2s1 ये होगा। लेकिन ये हमारा क्या है, ये अस्थायी कक्षा होता है। हीलियम क्या होता है, अक्रिय गैस होता है, इसकी कक्षा अस्थायी होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके स्थान पर HE भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, HE और ये 2s1, इस तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। और बेरिलियम का हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 2। तो ये हो जाएगा इस तरह से, इसके स्थान पर हम HE लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं HE और 2s2, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम लिख सकते हैं। अगला है बोरान, अगला हमारा बोरान है। बोरान का होगा 2 और 3, ये हमारा 2 और 3। तो इसमें HE ऐसे ही रहेगा और ये 2s2 और P1, ये हमारा 3, ये 3 हो गया, 2 1 3 एक अच्छा हो गई। और इसके लिए 2 अस्थाई हो गया, इसलिए हीलियम लिखेंगे। इस तरह कार्बन के लिए, कार्बन का 2 और 4 होगा, 2 के स्थान पर हीलियम हो जाएगा और ये 2s2 और 2p2। इस तरह से हमारा एक कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो इसकी संयोजकता कैसे लिखेंगे, अब इन तत्वों की संयोजकता भी हम लिख सकते हैं। इन तत्वों की हमारी संयोजकता भी लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन या तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसकी कक्षा 2 हो जाएगी, या एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो इसी संयोजकता, हाइड्रोजन की संयोजकता होती है +-1। यदि एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसकी संयोजकता होती है -1, यदि एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसकी संयोजकता -1 होती है। तो इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन की संयोजकता प्लस और माइनस दोनों होती है। इसके बाद हीलियम, हीलियम अक्रिय गैस का, इसकी संयोजकता क्या होती है, 0। उसके बाद हमारा लिथियम है, लिथियम के बाहरी कक्षा में 1 है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये लिथियम क्या बनाता है, इसकी संयोजकता +1 होती है। लिथियम की संयोजकता क्या होती है, +1 होती है। उसके बाद है बेरिलियम, बेरिलियम का बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके बेरिलियम 2+ आयन बनाता है। और जो है बोरान है, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, +3 इसकी संयोजकता होती है। और कार्बन, ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, +4 इसकी संयोजकता होती है। अब हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। नाइट्रोजन का संकेत है N, परमाणु क्रमांक है 7। ऑक्सीजन का
परमाणु क्रमांक है 8, संकेत है ओ। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, संकेत है एफ। नियान का परमाणु क्रमांक 10 है, संकेत है एन ई। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, संकेत है एन ए। मैग्नीशियम का संकेत एम जी है, परमाणु क्रमांक 12 है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, संकेत ए एल है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 5 टू फाइव। टू फाइव का मतलब, ये टू का मतलब होता है हीलियम, यानी एच ई। ये हो गया हीलियम का। हीलियम अस्थायी कक्षा होती है। उसके बाद दूसरा 2s2, और ये कितना बचा 5, यानी और 2p5 है तो 3 और इधर हो जाएगा 5। इस तरह से हमारा नाइट्रोजन का हो गया। इस तरह ऑक्सीजन का 2 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा एच ई। हीलियम का अस्थायी कक्षा है, ये होगा 2s2, और p हमारा कितना होगा, ये 6 है तो ये कितना 6 है तो 4 2 6 होगा। 4 यहाँ जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। अगला है 2 9, फ्लोराइड का है, फ्लोरीन का है। 2 7 होगा तो ये हो जाएगा एच ई। ये हमारे अस्थायी कक्षा हीलियम के 2s2 2s2, और p 5 2 7 5, ये हो जाएगा। उसके बाद नियान है 2 8, ये हमारी 2 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा एच ई 2s2, और p 6 p 6। ये हमारा नियान का हो गया। और नियान भी क्या है, एक अस्थायी कक्षा है। ये क्या है, नियान हमारा एक अस्थायी कक्षा है। आगे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम नियान के साथ लिखेंगे। तो अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हो जाएगा हमारा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 2 8, और कितना हो, 8 2 10 11, 1 होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 और 8 क्या है, ये 2 और 8 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हम यहाँ नियान लिख सकते हैं। ये नियान, तो 2 8 हमारा क्या हो गया, नियान, एन ई हो गया नियान। अब अगली कक्षा है, तीसरी कक्षा है 3 S1। इस तरह से हमारा नियान, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इस तरह मैग्नीशियम का लिखेंगे 2 8 2, तो ये हमारा अस्थायी कक्षा है नियान का, तो ये होगा एन ई, और 3 S2 ये होगा। अगला है एल्युमिनियम का, ये हमारा 2 8, और ये 3 होगा, तो ये भी नियान का अस्थायी कक्षा है, तो एन ई, और 3 S2, और p 1, ये हमारा हो जाएगा एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी तरह इसकी संयोजकता हम लिखेंगे। ये है बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 5 6 में p कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 6। 3 इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या है, कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ जाए तो ये कक्षा क्या होती है, अस्थायी हो जाती है। इसलिए इसके नाइट्रोजन का संयोजकता -3 होती है। अगला है ऑक्सीजन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन और हो जाए तो 6 हो जाएगा। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसलिए -3, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होगी। अगला है फ्लोरीन, फ्लोराइड, फ्लोराइड में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो अस्थायी कक्षा ये हमारी मिल जाएगी। अस्थायी कक्षा किसकी मिलेगी, नियान की अस्थायी कक्षा मिलेगी, इसलिए इसकी संयोजकता -1 है। और ये स्थायी कक्षा है नियान की, इसलिए इसकी संयोजकता 0 है। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसलिए 1+ संयोजकता है। सोडियम में मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये बाहर चले जाए तो ये अस्थायी कक्षा नियान की पूरी हो जाएगी। इस तरह एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाए तो ये नियान की अस्थायी कक्षा पूरी होगी। इस तरह से इसकी संयोजकता हो गई। अब हम सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। सिलिकॉन का संकेत है SI, परमाणु क्रमांक है 14। फास्फोरस का संकेत है P, परमाणु क्रमांक 15। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, संकेत S है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, संकेत Cl है। आर्गन का AR संकेत है, परमाणु क्रमांक 18 है। पोटेशियम का संकेत K है, परमाणु क्रमांक 19 है। कैल्शियम का संकेत Ca है, परमाणु क्रमांक 20 है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे।
सिलिकॉन, सिलिकॉन का है 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 2 8 2 8 2 8 हो गया 10, और इसके बाद 4 14, ये होगा 4 10 4 14, और ये 10 किसका हो गया, 8 2 10, ये नियान का था, किसका था, ये नियान का हमारा स्थायी कक्षा होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ne हो गया, ये स्थायी कक्षा है, बचा 4, तो 4 ये हो गया तीसरी कक्षा में, 3H2 और 3P2, ये हमारा हो गया सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी तरह फास्फोरस का लिखेंगे, ये हो गया 2 8 और ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो गया, ये हमारा नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अस्थायी कक्षा Ne, और 3H2 और P3, 3 2 5, ये 5 हो गया। इसी तरह सल्फर का होगा 2 8 और 6, ये हमारा अस्थायी कक्षा है नियान की, Ne और 3H2 और P4, ये हो गया हमारा सल्फर का। अब क्लोरीन का लिखेंगे 2 8 7, ये अस्थायी कक्षा हमारी है नियान की, इसके लिए हम नियान लिखेंगे, Ne लिखेंगे, नियान अस्थायी कक्षा है, और 3S2 लिखेंगे, और P कितना लिखेंगे, 7 है, तो 5 और ये 2 7 लिखेंगे। अब हमारा आर्गन का हो गया 2 8 और 8, ये हमारी कैसी कक्षा हो गई, अस्थायी कक्षा हो गई, तो इसके लिए लिखेंगे नियान के लिए, आर्गन के लिए नियान 2 3, ये सॉरी 3 3 H2 और P6, ये हमारी अस्थायी कक्षा हो गई, इसको हम आर्गन की आगे हम आर्गन लिख करके, क्योंकि आर्गन ये हमारा अस्थायी तत्व है, इसकी कोई संयोजकता नहीं होती, इसकी संयोजकता क्या होती है, जीरो होती है, इसकी संयोजकता क्या होती है, जीरो होती है, ये अस्थायी हमारा एलिमेंट है। तो आगे के लिए हम लिखेंगे 2 8 8 1, तो ये हमारी कक्षा क्या हो, अस्थायी कक्षा हो गई, ये नियान की अस्थायी कक्षा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा यन आर्गन, सारी ये हमारी कक्षा अस्थायी कक्षा आर्गन की है, ए आर हो जाएगा, और ये पहली कक्षा, ये दूसरी, तीसरी, ये चौथी, ये 4S1, इस तरह से होगा। इस तरह कैल्शियम का भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 और 2, ये तीन कक्षाओं के लिए आर्गन लिखेंगे Ar, और 4S2, इस तरह से हम लिखेंगे। अब इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, या 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, या 4 इलेक्ट्रॉन इससे, इसकी संयोजकता 4 होगी, +4 या -4 दोनों हो सकती है सिलिकॉन की। और फास्फोरस में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 और आ जाए तो अस्थायी कक्षा हमारी प्राप्त हो जाएगी आर्गन की, ये अस्थायी कक्षा हमारी आर्गन की प्राप्त हो जाएगी, तो इसलिए इसमें -3 इसकी संयोजकता होगी। और इस तरह से ये हमारा सल्फर है, सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन और आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, इसमें 2 और जुड़ जाए तो अस्थायी कक्षा होगी। सल्फर परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसकी संयोजकता -2 है, और क्लोरीन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाए तो ये अस्थायी कक्षा हो जाएगी, इसलिए इसकी संयोजकता -1 है। आर्गन जो है ये अस्थायी कक्षा है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 है। और अगला है पोटेशियम, पोटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसलिए इसकी संयोजकता 1+ है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आर्गन की संयोजकता प्राप्त कर लेता है, आर्गन की कक्षा प्राप्त कर लेता है। इस तरह कैल्शियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है या 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो आर्गन की अस्थायी कक्षा प्राप्त हो जाती है, इसलिए संयोजकता +2 है। अब हम परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जा रहे हैं। स्कैंडियम संकेत है Se, परमाणु क्रमांक 21, टाइटेनियम संकेत है Ti, परमाणु क्रमांक है 22, वेनेडियम संकेत है V, परमाणु क्रमांक है 23, क्रोमियम परमाणु क्रमांक है 24, संकेत है Cr, मैग्नीज परमाणु क्रमांक है 25, संकेत MN,
फेरस या लोहा संकेत है, या फिर परमाणु क्रमांक है 26, 26, कोबाल्ट संकेत है CO, परमाणु क्रमांक 27, निकिल संकेत है Ni, परमाणु क्रमांक है 28, कापर संकेत है Cu, परमाणु क्रमांक है 29, जिंक संकेत है Zn, परमाणु क्रमांक है 30। तो इन सबका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जा रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 2, 8, 2, 8, 9, 2, 2, 8, 9, 2। तो ये हमारा जो हो गया 8, 2, 10 और 9, 2, 11, 21 हो गया। कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 9, 2। तो ये जो है हमारा डी ब्लॉक का कक्षा का एलिमेंट है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अस्थायी रूप से 2, 8, 8। ये 2, 8, 8 हमारा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अस्थायी रूप से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और जो है ये आर्गन का है, लेकिन यहाँ क्या है, 9 है, ये 9 9 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आर्गन में 8 है। तो ये 9वां इलेक्ट्रॉन, ये हमारी पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी कक्षा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन के हिसाब से, इस हिसाब से यदि लिखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये आर्गन हमारा हो गया, और आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया स्थायी रूप से 2, 8, 8, कितना हो गया 18, 18, 18, 3, 18, 3, 21, 3 हो बढ़ेगा, तो 3 बढ़ेगा, तो ये चौथी कक्षा में जा रहा है 2, ये चौथी कक्षा में 2 जा रहा है, तो 4s2 होगा। और ये जो है, ये अगला इलेक्ट्रॉन ये तीसरी कक्षा में जा रहा है, तीसरे डी में जा रहा है, तीसरे डी में जा रहा है, इसलिए 3d1 होगा। इस तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन, इस तरह से आर्गन 4s2 और 3d1 होगा। ये किसका है, स्कैंडियम। ठीक इसी प्रकार हमारा टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar, और जो है ये 4s2 और 3d2 होगा। ये हमारा इसी तरह से सेम हम सबका आगे लिखते जाएंगे। ये हमारा आर्गन Ar, और ये 4s2 और ये 3d3, क्योंकि जो है यस, इसमें क्या होती, पहली कक्षा यस होती है, दूसरी कक्षा sp होती है, और तीसरी कक्षा sp d होती है, और चौथी कक्षा sp d f होती है। तो हमारी ये अगला इलेक्ट्रॉन ये तीसरी कक्षा में जा रहा है, यानी डी में जा रहा है, तीसरी कक्षा डी की है, तो इसलिए ये हो गया। ठीक इसी प्रकार क्रोमियम का आर्गन, और इसी तरह आर्गन ये 4s2 3d5, ये किसका होगा, मैग्नीज का होगा। इसी तरह फेरस का, लोहे का होगा आर्गन 4s2 3d6, और डी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 10 तक हम लिखते जाएंगे। Ar 4s2 और 3d7। अगला है Ar 4s2 और 3d8, इसी तरह 3d9 और 3d10। इस तरह से हमारा एकापर का और इस तरह Ar, इसका भी 4s2 और 3d10। इस तरह हमारा जिंक का हो गया, कापर का हो गया, निकिल का हो गया, इस तरह इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम इसकी संयोगता निकालेंगे, इसकी संयोगता कितनी होगी, ये हमारी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोगता कितनी हो सकती, 3 हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ये मल्टी यानी कई संयोगता वाले तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व कई संयोगता प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए संयोगता 1 और 2, 1 और 3 हो सकती है स्कैंडियम की। और अगला है टाइटेनियम की संयोगता हमारी, ये कितनी हो सकती है, 2, और ये 2 भी हो सकती है, इसकी संयोगता 2 भी हो सकती है
और दो दो चार भी हो सकती है, चार इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं। इस तरह से हमारा वेनेडियम का भी क्या हो सकता है, तीन भी हो सकता है और पांच भी हो सकता है। क्रोमियम की संयोगता हमारी कितनी हो सकती है, चार दो छः, ये हमारा छः है और ये हमारा चार निकल करके चार भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। अगला है मैग्नीज का, हमारा पाँच भी हो सकता है और दो भी हो सकती है इसकी संयोगता। इस तरह फेरिक का ये दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है। इसी तरह से इसकी संयोगता अस्थाई नहीं है, इन तत्वों की संयोगता अस्थाई होती है। इसकी संयोगता दो भी हो सकती है और तीन भी हो सकती है। इसकी संयोगता चार चार भी हो सकती है और जो है तीन भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। इसी तरह इसका भी हमारा कॉपर का दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, तो ये है तीन भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। इस तरह जिंक का एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, मल्टीपल संयुक्ता वाले तत्व ये सब हैं।